नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप। हर बार की तरह आप सभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, काफ़ी अच्छा काम किया है। ईपीएफओ के इस काम की जो है तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ के जितने भी रीजनल ऑफिस है उनको और जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन सभी को, जितने भी पीएफ कमिश्नर हैं उन सभी को एक सर्कुलर जारी किया है। और ये जो सर्कुलर जारी किया है 23/8/2021 को, यानी कि 23 अगस्त 2021 को जारी किया है। और इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा है कि भाई जितने भी डेथ से संबंधित जो केस है उनको 3 दिन में सेटल करने के लिए ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है। जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं कि जितने भी डेथ से संबंधित जो केस है उनको 3 दिन में जो है सेटल कीजिए। और इसके साथ साथ जितने भी पेंशनर्स हैं उनका जो पीपीओ नंबर जनरेट होता है ना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, और वो पीपीओ नंबर जब जनरेट होता है तो बैंक को डिस्पैच किया जाता है, तो उसको लेकर भी सर्कुलर जारी किया है कि ये जो काम है इसको आप 7 दिन में कंप्लीट कीजिए। डेथ से संबंधित जितने भी केस हैं उनको 3 दिन में निपटाने के लिए, 3 दिन में सेटल करने के लिए, और पीपीओ नंबर जनरेट और बैंक को जो है भेजने के लिए, यानी कि बैंक को डिस्पैच करने के लिए जो है 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में ये काम आप कर लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने क्या कहा है। यहाँ पर देखिए, सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेट यहाँ पर 23/8/2021 23 अगस्त 2021 को जारी किया गया है सर्कुलर 2 में। और यहाँ पर सीपीएफसी जोनल ऑफिस और रीजनल पीएफ कमिश्नर्स रीजनल ऑफिस, इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर दे रखा है डेथ केसेस टू बी सेटल्ड विद इन 3 वर्किंग डे रिगार्डिंग। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो, इट इज एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट पेंशन केस इन जनरल एंड डेथ केस इन पर्टिकुलर आर सेटल्ड विद इन 3 डेज। इन ऑल डेथ केस ऑफ मंथली पेंशन पीपीओ बी जनरेटेड एंड डिस्पैच टू बैंक नॉट लेटर देन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लेम। यानी कि जब क्लेम मिलता है उसके 7 दिन में ही जो है पीपीओ नंबर जनरेट करना और डिस्पैच करना बैंक को जो है मंथली पेंशन से संबंधित, और जो केस है डेथ से संबंधित जो केस है उनको 3 दिन में निपटाने के लिए यहाँ पर सर्कुलर जारी किया है। और यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ ACC हेडक्वार्टर पेंशन। और यहाँ पर यूर फेटफुल, यहाँ पर एडिशनल CPFC पेंशन जो है अमेश मिश्रा जी के जो है यहाँ पर सिग्नेचर उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था जो कि मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में आपको बता दिया नए सर्कुलर के बारे में। तो आने वाले टाइम में आपको जो है और भी नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि EPFO जो है PF EPF KYC पेंशन से संबंधित काम में जो है तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। और हमने जो है देखा भी है कि क्लेम जो है एक एक वीक में 4-4 दिन में जो है सेटल भी हो रहे हैं, और PF की प्रॉब्लम लगभग जो है आजकल ऑनलाइन ही जो है ठीक हो जाती है। तो ये एक नया अपडेट था EPFO की तरफ से जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। EPFO का ये जो कदम EPFO ने उठाया है, सर्कुलर जारी किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।